गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज अहम दिन है। इस मामले में आज दोषियों को फैसला सुनाया जाएगा। गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर 2013 में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 85 लोग जख्मी हुए थे। एनआईए कोर्ट ने इस मामले के 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि 1 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। वहीं कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है उनमें हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीबुल्ला अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिखार आलम और अगर उद्दीन कुरैशी शामिल है। मोहम्मद फकरुद्दीन को सबूतों की कमी के आधार पर इस मामले से बरी कर दिया गया था। मामले में 8 वर्ष बाद आज सजा का ऐलान किया जाएगा। 2013 में बीजेपी की हुंकार रैली जो है इसी गांधी मैदान में जो है आयोजित की गई थी। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। वो जब यहां पर आए तो उनके आने से पहले ही बड़ा सा जोर सा जो धमाका जो है पहले जो है पटना जंक्शन के 140 में हुआ और उसके बाद जो है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे भाषण चल रहा था, बड़े बड़े नेता जो हैं वो भाषण दे रहे थे और वो सामने जो बच्चे खेल रहे हैं वो सारे जगह जो हैं बम के जो है लगातार जो है सिलसिलेवार जो है धमाके हो रहे थे। इस धमाके में जो है आधे दर्जन लोगों की जान गई तो 80 से ऊपर जो लोग हैं वो घायल हुए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद देखिए तो इस केस में जो है लगातार जो है तेज़ी आई और इस केस को जो है एनआईओ को दे दिया गया और 9 जो पहले तो पुलिस ने 10 को जो है हिरासत में लिया था जिसमें से सब पे जो है मुकदमे चले और 9 को जो है दोषी करार दिया गया और वो सभी जो है बेऊर जेल में हैं और एनआईए के कोर्ट में जो आज जो 9 दोषी बेऊर जेल में हैं जो दोषी करार दिए गए हैं उनके बिंदुओं पर आज जो है फैसला आने वाला है। सभी को इंतज़ार है कि ये जो लोग जो कि आतंकी संगठन से जुड़े हैं उस पर जो एनआईए कोर्ट जो है कौन सी सजा देता है। कैमरा दीनानाथ ओझा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में आज 9 दोषियों को पटना के सिविल कोर्ट में एनआईए के स्पेशल कोर्ट गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के यहां सजा सुनाई जाएगी। और तस्वीर देखिए, अभी हम खड़े हैं पटना के सिविल कोर्ट में जहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूँकि ये 2013 में घटना घटी थी और उसमें हुंकार रैली जो भाजपा की हुई थी उसी में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ पे भाषण होना था और उसी दौरान जो है गांधी मैदान में ये घटना हुई थी और उसमें तकरीबन 9 लोग जो है वो मारे गए थे और उसके साथ साथ जो है तकरीबन 85 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए थे। तो इस पूरे मामले में जो पटना के एनआईए कोर्ट है उसमें इन लोगों की सजा की जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई थी और उसके बाद जो है बीते 5 दिन पहले ही सभी 9 को दोषी करार दिया गया था और उस पूरे मामले में आज जो है फैसला आना है, एक अहम फैसला कही जा सकती है और उसी को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना से, सीधे उनके पास चलते हैं। आशुतोष, आज फैसला सुनाया जाएगा साल 2013 में जो बम धमाके हुए थे पटना में उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर और इस फैसले का इंतजार सबको जरूर था और जो 6 ऐसे आतंकी हैं जिन पर देशद्रोह का मुकदमा है, यूएपीए एक्ट का मुकदमा है, इसके अलावा हत्या और हत्या की कोशिश का मुकदमा है जी। तो ये तय माना जा रहा है कि आजीवन उम्र कैद की सजा तो इन लोगों को होगी ही होगी। उसके आगे अगर कोई सजा होती है तो वो भी देखना दिलचस्प होगा, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। 3 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें इस पूरे अभियान में सहयोगी पाया गया था तो उनको भी दोषी करार दिया गया है। कुल 9 आतंकी हैं जिन पर सजा होनी है। पूरे जो अक्टूबर में जो घटना हुई थी 27 अक्टूबर 2013 को, उसमें 6 लोगों की जाने गई थी गांधी मैदान में। बीजेपी का एक बड़ा
कार्यक्रम हो रहा था, रैली हो रही थी, उसमें 6 लोगों की जाने गई थी, इसके अलावा 89 लोग घायल हुए थे। तो उसी के आधार पर पूरी मामले की जांच एनआईए कर रही थी। और एनआईए आशुतोष, कितने बजे सुनवाई होगी और क्योंकि सभी दोषियों को लेकर जाया जाएगा कोर्ट, तो किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वहां पर की गई है? देखिए, जो कोर्ट परिसर है उसको तो पहले से ही सील कर दिया गया है, चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेंगे। और जो आपको जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों जब ये तय हो गया था कि नहीं, सारे 9 जो आतंकी थे, एक को छोड़कर 9 आतंकी जो थे उन्हें दोषी करार दिया गया था, उसके बाद जेल में भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई थी। तो ये तैयारी उसी दिन से चल रही है और आज चूंकि पेशी होनी है उनकी, सजा के दौरान वो कोर्ट में मौजूद रहेंगे, तो उस वक्त भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी और हर एक आतंकी पर नज़र रखी जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि एक बड़ा मैसेज उस तबके को देना है जो ये सोचते हैं कि देशद्रोह एक बहुत ही आसान तरीका है या फिर कहीं भी आतंकी साजिश को अंजाम देना बहुत आसान तरीका है, तो उन्हें इस पूरे मामले का कह सकते हैं कि निचोड़ जो निकलेगा वो भी उनके लिए एक नज़ीर साबित होगा। और उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा फैसला आएगा जो आने वाले समय में सबके लिए, जो ये सोचते हैं कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आशुतोष, मैं रुकूंगी आपको, आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पुलिस तमाम दोषियों को लेकर कोर्ट के लिए निकल चुकी है। आपको बता दें कि पटना के बेउर जेल से दोषियों को लेकर पुलिस निकल चुकी है और अब से कुछ ही देर में सुनवाई होगी। पुलिस कोर्ट के ले जा रही है तमाम दोषियों को, जिस तरह से आशुतोष भी बता रहे थे कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर लिया गया है, किसी भी तरह की ऊंच नीच ना हो, इसको देखते हुए भी हर तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही कोर्ट को भी चारों तरफ से घेर लिया गया है जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो। तो फिर आपको बता दें कि पटना के बेउर जेल से दोषियों को लेकर पुलिस निकल चुकी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में तमाम उन दोषियों को लेकर जाया जा रहा है। साल 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की एक सभा के दौरान बम धमाका हुआ था, उससे जुड़े 9 दोषी जिन्हें आज कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी, सभी को बेउर जेल से लेकर पुलिस निकल चुकी है। आशुतोष, लौटूंगी मैं आपके पास, आज जब सजा सुनाई जाएगी तमाम दोषियों को, तो जाहिर तौर पर तमाम उन परिवारों को भी शांति और राहत मिलेगी जिनके सदस्य इस धमाके में जिनकी मौत हो गई थी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर 6 लोग थे जिनकी जानें चली गई, बीजेपी से जुड़े लोग थे और उसमें कई पब्लिक भी थी जो गांधी मैदान में स्पेशली नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंची थी, जिस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे नरेंद्र मोदी, और बड़ी सभा हो रही थी, बड़ा रैली वहाँ पर चल रहा था और खुद नरेंद्र मोदी उन पीड़ित परिवारों के बीच गए थे, उनसे मुलाकात की थी। तो स्वाभाविक तौर पर जिनकी जानें गई हैं उनको एक कह सकते हैं कि इंसाफ मिलेगा और ये एक दूसरों के लिए सबक भी होगी जो साजिश के अभियान में जुड़े रहते हैं। और बहुत ही प्लान तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया गया था, आप अंदाज़ा लगाइए कि लाखों की भीड़ में अगर 6 लोगों की जान जाती है तो इसे कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव मामला था। सिर्फ 6 लोगों की जान गई, नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला था क्योंकि टारगेट लाखों की पब्लिक थी और जगह जगह पर गांधी मैदान में बम प्लांट किए गए थे टाइमर के साथ, लेकिन इसे कह सकते हैं कि संयोग ऐसा रहा कि नुकसान बहुत कम हुआ, नुकसान इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकती थी। और ख़ास बात यह रही कि पटना जंक्शन को भी टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी, वहाँ भी बम प्लांट किए जा रहे थे और इसी क्रम में एक बम आतंकी के पास ही ब्लास्ट हो गया जिसके कारण उस आतंकी की मौत हो गई। तो पूरे उस दिन का वाकया बिल्कुल याद है और पूरे तरीके से कह सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान करने की तैयारी थी कि आने वाले समय में लोग गांधी मैदान में जाने से डरते सहमते और कोई भी बड़ा कार्यक्रम, कोई भी बड़ा सभा होने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। और आज की तारीख में भी अगर गांधी मैदान में कोई बड़ी सभा होती है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जगहों को चेक किया जाता है और इतना ही नहीं, हफ्ते 10 दिन पहले सील कर दिया जाता है गांधी मैदान को, अगर 15 अगस्त 26 जनवरी की बात करें, और तब चेकिंग अभियान चलाया जाता है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बड़ी ये घटना थी और जाहिर तौर पर आज भी कोई कार्यक्रम गांधी मैदान में होता है तो तमाम जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, उसको चाक चौबंद पहले से कर लिया जाता है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा।